खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर आसिफ जान गिल है और मेरा ताल्लुक रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री से है। मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल टीवी का जिसने आज मुझे दावत दी ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से है। यहां पर लिखा उस फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब ही उनसे कहा, तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता है वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। मेरे अज़ीज़ो, आज जो बात मैं खुदा के कलाम में से आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो फरीसियों का खमीर है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि रवायात जो है वो फरीसियों का खमीर है, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये रवायात या रसूमात जिनके बारे में फकी फरीसी बात करते हैं ये इंसान की बनाई हुई रवायात है। और बाइबल बताती है कि इंसान की बनाई हुई रवायात ने खुदा के कलाम को बातिल कर दिया है। मरकुस की इंजील में हम देखते हैं उसके 6वें बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि 5000 लोगों को खाना खिलाया गया, और फिर वहां पर रसूलों का एक सवाल है जब खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्हें कहते हैं कि तुम इनको खाना खिलाओ, तो वो कहते हैं कि हम इतनी रोटियां कहां से लाएं, हम इतना खाना कहां से लाएं। ये दुनियावी रवायत के मुताबिक जो है उनका असूल है। फिर मरकज की अंजील में अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 8वें बाब में भी जब 4000 लोगों को खाना खिलाया गया तब भी यही सवाल आता है। इन दोनों हवालात में इनने जो शागिर्दों ने सवाल किया है वो दुनियावी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये दोनों हवाले जो हैं ये दुनियावी सिस्टम को बयान करते हैं। हमारी तवक्को ये है कि खुदा सब कुछ करे हमारे लिए, जबकि खुदा की तवक्को ये है कि हम वो करें जो वो चाहता है। आज बहुत से इंसान, बहुत से लोग अपनी जिंदगी जो है अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। वो अपनी मर्जी अपनी कुव्वत के मुताबिक अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खुदा चाहता है हम एतकाद रखें, ट्रस्ट हिम, खुदा पर हम एतकाद रखें। मरकज की इंजील 8वें बाब की 17वीं आयत में यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? अब यहां पर दो चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। पहली बात है जानना और दूसरी बात है समझना। हमें खुदा को जानने की भी जरूरत है और खुदा को समझने की भी जरूरत है। अगर हम खुदा को नहीं जानते तो फिर इस बात को समझ लें कि हम उसकी फितरत को नहीं जानते, हम उसकी फितरत को नहीं समझते। तो जब हमारा हम उसकी फितरत को नहीं समझते, हम उसको नहीं जानते, तो हमारा दिल जो है वो सख्त हो जाता है। हमारा दिल जो है वो खुदा की कलाम को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं, क्या आज भी हम खुदा की कुव्वत और कुदरत को नहीं जानते? मेरा और आपका खुदा महज किताब का खुदा नहीं है, ही इज अ लिविंग गॉड। वो जिंदा कलाम है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा तौर पर काम करता है। ही इज अ प्रैक्टिकल गॉड। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो सिर्फ कलाम नहीं करता, बल्कि वो काम भी करता है। और आज ये बात मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि मजहबी तासीर हमें महदूद कर देती है ताकि हम खुदा की तासीर को ना हासिल कर सकें। आज हम में वर्ल्डली इंफ्लुएंस तो है, दुनियावी असर तो है, लेकिन हम में खुदा के कलाम का असर नहीं है। आज हम में जो है दुनियावी तासीर दुनियावी इंफ्लुएंस तो है, मगर खुदा के कलाम का की तासीर या खुदा के कलाम की खिदमत की तासीर जो है वो हमारी जिंदगियों में नहीं है। शागिर्दों के साथ भी यही मसला था। खुदा उन्हें अपने तरीके से काम करने का को कह रहा था, मगर वो मजहबी और दुनियावी तासीर में रहते हुए खुदा की तासीर और कुदरत को अपनी जिंदगियों में जो है ना हासिल कर सके।
हमें अपनी जिंदगियों पर ठहरे हुए असर को चेक करना है। मेरी और आपकी जिंदगी पर इन्फ्लुएंस कौन सा है? हमारी जिंदगी पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है या वर्ल्डली इन्फ्लुएंस है, दुनियावी असर है या रूहानी असर है? आज ये बात मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है। याद रखें, दुनियावी असर खुदा के असर को काम करने नहीं देता। जब तक हम दुनिया के असर में हैं, हम खुदा के असर को अपनी जिंदगी पर, खुदा की कुव्वत को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देंगे। इसीलिए आज हमें इस बात को जानना है कि असर मेरी और आपकी जिंदगी में एक कुव्वत है। यह खमीर जो खुदा का हमारी जिंदगी में है, यह एक कुव्वत है। हमें फक्की और फरीसियों के खमीर में जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि हमें खुदा के खमीर में, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस में, दुनिया रूहानी असर में जिंदगी बसर करने की जरूरत है। यीशु मसीह इसीलिए जो है हमें मरकज की अंजील उसकी 8:15 में फोर्स से खबरदार और होशियार कर रहे हैं। वो हमें बता रहा है, बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको यह सिखाती और बताती है। अगर हम लोग मरकज की अंजील उसका 8 और उसकी 15 देखें तो यहां पर मेरे और आपके लिए बड़ी खूबसूरत आयत है, लिखा है, और उसने उनको यह हुक्म दिया कि खबरदार फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो हमें यह बात कह रहा है कि तुम उनकी कुव्वतों से, तुम उनके जोर से, तुम उस फोर्स से जो तुम्हें मेरे असर से दूर करती है, तुम उससे होशियार रहना। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको यह बता रही है कि कोई भी खमीर जो आपकी जिंदगी पर ठहरता है, आपको उसका पता नहीं चलता, मगर जब हालात हमारे सामने आते हैं, जब मुश्किलात हमारे सामने आती हैं, फिर हमें जो है उनकी मौजूदगी का पता चलता है। अगर हालात हमारे सामने हैं, हम खौफजदा हैं। अगर मुश्किलात हमारे सामने हैं, हम खौफजदा हैं। अगर हम बीमारी की हालत में हैं और हम खौफजदा हैं, अगर हम जरूरतमंदी की हालत में और हम खौफजदा हैं, तो फिर याद रखें, मुझ पर और आप पर दुनिया का असर है। क्योंकि शागिर्द जो बोलते और जो देखते थे वो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते थे, लेकिन यीशु मसीह हालात को देखकर नहीं बल्कि खुदा की मुदाखलत को देखकर वो काम करते और बोलते थे। आज बहुत से लोग जो हैं, जो हालात को देखकर बोलते हैं, हालात को देखकर काम करते हैं, वो अनसीन रैलम्स में, ना दिखाई देने वाले आलम में अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। वो उस आलम पे बिलीव नहीं करते जो हमारे लिए जो है लश्करों को जारी करता है। आज हम लोग जब आजमाइशों में से गुजरते हैं, आज जब हम लोग जब हालात में से, बुरे हालात में से गुजरते हैं, आज जब हम लोग तरह तरह की अजियतों में से गुजरते हैं, तो हम लोग इस बात को नहीं समझते कि खुदा है जो हमारे साथ है। यहां पर जब खुदा कह रहा है इनको कुछ खाने को दो, तो खुदावन यीशु मसीह हालात के मुताबिक बात नहीं कर रहे। आज जब हमारे पास ऐसे हालात आते हैं और जब हमें जरूरत महसूस होती है, जब हम लोग जरूरतमंद होते हैं, जब जरूरत है कि कोई हमारी मदद करे, तो फिर हम लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि खुदा हमारी मदद करेगा, बल्कि हम लोगों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यहां पर शागिर्दों को जब यीशु मसीह ने कहा तुम ही इनको खाने को दो, तो वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। वो तो दुनियावी हालात को देख रहे थे कि इतने हजार लोगों के लिए रोटियां कहां से आएंगी, इतने हजार लोगों के लिए खाना कहां से आएगा, इतने हजार लोगों के लिए रुपया पैसा कहां से आएगा। याद रखें, हमारे पास कितनी रोटियां हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास क्या हालात है, हमें उन पर निगाह नहीं करनी, बल्कि हमें इस बात को जानना और इस बात को समझना है कि जो कुछ हमारे पास है, खुदा की कुदरत इसको बढ़ा सकती है, खुदा की कुदरत इसको डबल कर सकती है, खुदा की कुदरत इसको कसरत बख सकती है, खुदा की कुदरत इसको हम सब के लिए जो है वो फायदामंद और हमारे लिए फलदार कर सकती है। यीशु मसीह जो कुछ मौजूद है हमारे पास, 5 रोटियां 2 मछलियां जो कुछ हमारे पास मौजूद है, थोड़ा है, तो यीशु मसीह उस पर अपनी कुदरत को ठहरते हुए देख रहे हैं। खुदा यीशु मसीह जानते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह ने एक सवाल किया, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। वो इस बात को जानना चाहते हैं कि हम क्या रखते हैं, हमारा ईमान कितना है, हम खुदा पर तवक्कल कितना करते हैं, जो कुछ हमारे पास है क्या हम उसे खुदा को देने के लिए तैयार हैं। दोनों बार यीशु मसीह ने मौजूदा हालात सूरत हाल में खुदा की कुदरत को काम करते देखा। वो जानते थे कि खुदा मदाखलत करेगा,
आज जब हम अपने हालात से लड़ रहे होते हैं तो हमें भी इस बात को जानना और समझना है कि खुदा हमारे लिए मुदाखलत करेगा, खुदा हमारी जरूरतों में मुदाखलत करेगा, खुदा हमारे हालात में मुदाखलत करेगा, खुदा हमारी बीमारी में हमें शिफा देने के लिए मुदाखलत करेगा, खुदा हमारी कैद से हमें रिहा करने के लिए मुदाखलत करेगा, खुदा हमें परेशानियों से बाहर निकालने के लिए मुदाखलत करेगा, खुदा हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को बढ़ाने के लिए, बरकत देने के लिए मुदाखलत करेगा, खुदा हमारी थोड़े से जो थोड़ा हमारे पास है उसको कसरत देने के लिए मुदाखलत करेगा। इसलिए वो कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। वो रोटियों को मांगता है, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और जब पता चलता है कितनी रोटियां, तो वो कहता है इनको मेरे पास लाओ। आज खुदा आपको भी कह रहा है, जो तेरा ईमान है उसे मेरे पास ला। अगर थोड़ा है मेरे पास आ, मैं तेरे ईमान को बढ़ा दूंगा, मैं तेरी कमजोरियों को जोर में बदल दूंगा, मैं तेरी नाकामियों को कामयाबियों में बदल दूंगा, मैं तेरी लानत को बरकत में बदल दूंगा, मैं तेरे खौफ को दलेरी में बदल दूंगा, मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा, मैं तेरे हालात को बदल दूंगा, मैं तेरी पहचान को बदल दूंगा, मैं तेरे नाम को बदल दूंगा, मैं तेरे खानदान को बदल दूंगा, मैं तेरी नस्लों को बदल दूंगा। खुदा वादा कर रहा है, खुदा की कुदरत, गॉडली प्रोविजन आपके लिए तैयार है, लेकिन जरूरत यह है हम खुदा के पास आए। जो कुछ हमारे पास है हम खुदा के पास लेकर आए। आज इस बात की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के एलची होते हुए अंबेसडर ऑफ क्राइस्ट, हमें यह देखना है हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। हमें दुनिया के देखे और दुनिया के हालात पर निगाह कर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करने। हमें नहीं समझना कि अब जब चारों तरफ हालात बुरे हैं, मौसी हालात बुरे हैं, कोरोना है, कारोबार बंद है, ये है वो है, तो हम लोग अपने आप को खौफ में मुब्तला कर लें, कहें कि हम मर जाएंगे। एलिया को याद करें, जब सारे मुल्क में हर तरफ जहां कहत है, खुदा एलिया को करीत के नाले में से भी वहां पर भी खुदा उसको मुहैया करता है। जब चारों तरफ कहत है, खुदा उसे सारपत की बेवा के पास भेजता है कि जा वो तेरी परवरिश करे। और खुदा ना सिर्फ एलिया को वहां से असुदा करता है, खिलाता है, बल्कि सारपत की बेवा और उसका घराना भी जब चारों तरफ कहत है, 3.5 साल तक उन हालात में खाते रहते हैं। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को समझे, इस बात को जाने, गॉडली इंटरफेरेंस, खुदा की मदाखलत हमारी जिंदगी के लिए हमेशा तैयार है। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में जो है वो मदाखलत करे, लेकिन आपको खुदा को इजाजत देना होगी। आपके पास जो कुछ है उसे खुदा के पास लाना होगा। जो कुछ खुदा ने आपको बरकत दी है, 5 रोटियां 2 मछलियां, जो कुछ भी आपके पास है, हमें खुदा को हर तरह के हालात में मदाखलत देने के लिए अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करना होगी। याद रखें, हर वक्त, हर जगह, हर काम में खुदा तैयार है, खुदा का कलाम तैयार है हमारी जिंदगी के लिए। और ये याद रखें कि खुदा का कलाम है, और इसीलिए कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजल फरमा कर तुझे शिफा बख्शता है, तेरी बीमारियों से, बुरे हालात से, तेरी गुर्बत से, तेरी जरूरतों से, तेरी परेशानियों से, तेरी नस्ली, तेरी खानदानी मसाइल से खुदा तुझे शिफा बख्शता है। कोई चीज मुझे और आपको तसल्ली नहीं दे सकती, सिर्फ खुदा, खुदा का रूह, खुदा की हजूरी, उसकी मामूरी हमें तसल्ली देती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए दुनिया के इन्फ्लुएंस को छोड़ें, आइए दुनिया के खमीर से निजात पाएं, आइए हम दुनियावी रवायात और दुनियावी रसूमात से आज रिहाई हासिल करें। आइए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए पेश करें। खुदा आपको बुला रहा है, तेरे पास क्या है, तेरे पास कितनी रोटियां हैं, तेरे पास कितने वसाइल हैं, तेरे पास कितना ईमान है, तेरे पास कितना वक्त है, और जो कुछ आपके पास है उसे खुदा के पास ले आए। और जब खुदा उस थोड़े पर बरकत को जारी करेगा, जब वो आसमान की तरफ उठाया जाएगा, लिखा है बरकत नाजल होगी, और जब बरकत नाजल होगी आप कसरत हासिल करेंगे। हमें यह सीखना है हम बुरे हालात में कैसे रिएक्ट करें, खौफ ज्यादा हो जाए या दलेरी में चलना शुरू करें, ईमान में बढ़ें या बेतकादी में जिंदगी बसर करें, खुदा से हासिल करें या जो कुछ है हम उसे भी खो दें। आज हमें इस बात का फैसला करना है कि खुदावन तू है जो हमारी जिंदगी में मुदाखलत करे,
तो हम लोग बढ़ोतरी पाते हैं। तू हमारी जिंदगी में मदाखलत करे तो हम बरकत पाते हैं। तू हमारी जिंदगी में मदाखलत करे तो हम लोग सरफराज होते हैं। आ जाइए हम अपनी जिंदगियों का मुस्तकबिल खुदा के हाथों में सौंप दें, खुद परेशान होना छोड़ दें, खुद गमजदा होना छोड़ दें, खुद फिक्रमंद होना छोड़ दें और खुदा को अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे गम, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी जरूरतें दे दें, क्योंकि लिखा है उसको तुम्हारी फिक्र है। आइए दुनिया के हालात पर नहीं, क्योंकि हमारी रवायात ने खुदा के कलाम को बातल कर दिया और खुदा का कलाम ही है जो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले खुदा आपकी जिंदगियों के हालात को बदलने को है। आइए मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि ये कलाम आपकी जिंदगियों में असरअंदाज हो। खुदा बाप में यीशु के नाम से तेरी हुजूरी में आता हूं, तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद खुदा इस कलाम के लिए जो हमारी जिंदगी में खुदावंद कसरत से काम करता है, हमारे बंद बंद और गूदे गूदे से होकर गुजरता है, जो हमें तसल्ली देता है, शाद करता है, आबाद करता है। इस वक्त मैं खुदावंद तेरी हुजूरी में आता हूं, तेरा शुक्र करता हूं और तेरी बरकत चाहता हूं तमाम सुनने वालों के लिए। खुदावंद ये कलाम खुदावंद पर असर हो, ये कलाम खुदावंद उनकी जिंदगी में कसरत बख्शे ताकि खुदावंद अपनी रवायात और रसूमात से खुदावंद किनारा करते हुए तेरे कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि खुदावंद हर तरह का वो रवायात और रसूमात जिन्होंने उनको बांध रखा है और तेरे कलाम को बातल किया है उनकी जिंदगी से जाती रहे, वो ईमान में जिंदगी बसर करें, तेरे खुदावंद तुझे समझें, तुझे जाने कि तू ही है जो हमें खुदावंद हर तरह के हालात में संभालता और तसल्ली देता और फतह बख्शता है। खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों में हमेशा बढ़ता जाए ताकि तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो और खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस नेशनल टीवी एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।